सिंपल माइक्रोस्कोप देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ एंड हाई पावर। लेंस का ऑप्टिकल सेंटर फोकस 2F, और इसे मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह यूज करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट रखना होता है फोकस और लेंस के बीच में। ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ ए बी। हाँ, हर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए हम दो कंडीशंस करेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए भी दो कंडीशन करेंगे, और अभी पहली कंडीशन कर रहे हैं क्या, फाइनल इमेज एट एल डी डी वी, फाइनल इमेज एल डी डी वी पर बनाया है, ठीक है। दो बार मैग्निफिकेशन फाइंड करना होगा, एक रे ऑफ लाइट चली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर ट्रांसमिशन फ्रॉम द लेंस इट पासिस थ्रू फोकस, अनदर लाइट रे पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, अनडेविएटेड पास हो गई, ठीक है। इमरजेंट रे, ट्रांसमिटेड रेज आर डाइवर्जिंग इन नेचर एंड हेंस दे अपीयर टू मीट समवेयर बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, यहां ये मीट करती हुई लगती है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। दिस इज द वर्चुअल इमेज, नॉट एट एफ, टू एफ पर नहीं है ये, कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन आपने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस तरह से एडजस्ट करी है कि आपका जो ये डिस्टेंस है ये कितना है, एलडीडीवी है, जिसे आप कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, 25 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज आपने बनाई है 25 सेंटीमीटर पर, ठीक है, क्योंकि आंख आपकी बहुत क्लोज है इस लेंस के, सो द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट लेंस इज द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई। आंख हम ये कह के चल रहे हैं बहुत पास है, तो जितना भी इस ऑब्जेक्ट ने, इस इमेज ने एंगल सबटेंड किया है, कहां सबटेंड किया है, लेंस पर, वही एंगल है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई। तो यहां ये आपका हुआ एंगल बीटा, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, tan बीटा इक्वल्स, tan बीटा कितना होगा, a डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, a डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, ठीक। फॉर स्मॉल एंगल बीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टेन बीटा, लगभग लगभग बराबर ही होगा ये, तो फिर हम क्या देखेंगे, बीटा इक्वल्स ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। अब आपको चाहिए एंगल अल्फा, इमेज पास नहीं है, इमेज है एट एल डी डी वी। इस तरह से आपने ऑब्जेक्ट और लेंस को इस एडजस्ट कर लिया ताकि आपकी फाइनल इमेज बन गई कितने पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन गई आपकी। तो दिस इज द ए डैश बी डैश ने कितना एंगल सबटेंड किया, ये रहा आपका बीटा, ये स्मॉल एंगल ही होता है, तो हमने डायग्राम बनाने में इतना बड़ा कर लिया एंगल, अदरवाइज छोटा सा एंगल होता है, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, अब आपको ऑब्जेक्ट का एंगल भी फाइंड करना है, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप के लिए फाइंड करते हैं तो आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखना होता है, ऑब्जेक्ट को आपने रखना होता है एल डी डी वी पर, ऑब्जेक्ट का एंगल फाइंड करने के लिए। तो ये मैंने पोजीशन बनाई आई की, कहां बनाई ये पोजीशन, एग्जैक्टली एट द ऑप्टिकल सेंटर, और फिर आपको यहां से रखना है कितने डिस्टेंस पर,
डी डिस्टेंस पर रखना है, क्या रखना है, ऑब्जेक्ट आपका ए बी, जो भी था आपका ऑब्जेक्ट ए बी, और अब जितना भी एंगल सबटेंड हुआ दिस इज द एंगल अल्फा, कितने डिस्टेंस पर रखा आपने, एल डी डी भी डिस्टेंस पर रखा आपने इसे, ये एंगल अल्फा हो गया, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई अल्फा। अब एक बात देखना जरा ध्यान से, ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों को मैं ओवरलैप कर देता हूं, ये जो डायग्राम बना हुआ है इस डायग्राम को मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्ट क्या है ये ए बी, कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, और यहां डी डिस्टेंस पर क्या बना हुआ है, इमेज बनी हुई है। तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, इस ऑब्जेक्ट को ए बी को उठा करके मैं ले गया कहां, एल डी डी वी पर ले गया, ये ए बी है, और लेंस को मैंने यहां से हटा करके यहां अपनी इस पोजीशन पर क्या रख ली, आई। तो अब जितना भी एंगल सबटेंडेड हो रहा है ये एंगल है क्या, अल्फा। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देने से थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। तो अब यहां से हम टेन अल्फा क्या फाइंड करेंगे, देखना जरा ध्यान से, टेन अल्फा होगा आपका ए बी अपॉन ओ बी डैश, ए बी अपॉन ओ बी डैश, तो टेन अल्फा बना ए बी अपॉन ओ बी डैश। ठीक है, फिर से वही लिखेंगे हम, फॉर स्मॉल एंगल इन रेडियन, ये बात और लिख दो, चलो अल्फा इक्वल्स, अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स व्हाट, टेन अल्फा, तो फिर यहां से आपके लिए अल्फा बना क्या, अल्फा बना ए बी बाय ओ बी डैश। ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, या जिसे हम कहते हैं क्या, एंगुलर मैग्निफिकेशन, एम इक्वल्स बीटा बाय अल्फा, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, कितना है बीटा, बीटा है ए डैश बी डैश अपॉन ओ वी, ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, अल्फा कितना है ए बी अपॉन ओ बी डैश, ए बी अपॉन ओ बी डैश। ठीक है, ओ बी डैश कैंसिल हो गया, एम इज इक्वल टू क्या बचा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अब ए डैश बी डैश कहाँ है, ये ट्रायंगल ये रहा। ठीक है, ए बी आपका यहां भी आ रहा है और एक ए बी आपका यहां भी आ रहा है, लेकिन अगर आप देखें ध्यान से तो ए डैश बी डैश ओ इज सिमिलर टू ए बी ओ, है ना, तो ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, बोलो, ओ बी डैश बाय ओ बी डैश बाय ओ बी, है ना। तो ट्राइंगल में सिमिलरिटी ले लेते हैं, यहां से कौन सी, ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ सिमिलर ट्राइंगल ए बी ओ, तो इसका मतलब ए डैश बी डैश बाय ए बी इक्वल्स, देखो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश से हम क्या लेंगे बताओ, ये ओ बी, चलो ओ बी डैश ले लेता हूं मैं, पहले क्या हुआ ये ओ बी डैश, और यहां से ए बी में से क्या लेंगे बताओ, ओ बी ले लिया जाएगा, तो ये आपका बना ओ बी। अच्छा, ओ बी डैश कितना है, जरा ध्यान से देखो, आपने इमेज कहाँ बनाई है, डी पर बनाई है, और ये ओ बी क्या है, यहाँ ओ बी है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, तो ये बना आपका कितना, माइनस डी बाय माइनस यू, तो आंसर बना आपका डी बाय यू। अब लेंस फॉर्मूला लगा लीजिए, बाय लेंस फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला वन बाय एफ इक्वल्स वन बाय वी माइनस वन बाय यू, इसे पूरे को मैं डी से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरे को मैं डी से मल्टीप्लाई कर दूं क्या बनेगा बोलिए,
डी बाई एफ इक्वल्स डी बाई वी माइनस डी बाई यू। अच्छा वी आपने कहाँ बना रखा है, वी भी आपका कहाँ है, डी पर आ रहा है क्योंकि इमेज ही आपने कहाँ बनाई है, एल डी डी पर बनाई है। तो फिर डी बाई एफ इक्वल्स कितना बन जाएगा, वन माइनस डी बाई यू। अब इन दोनों को साइड चेंज कर लो आप, यहां से साइड चेंज कर लीजिए। अब देखिए सिंपली ये आपका लेंस फॉर्मूला है, इस लेंस फॉर्मूले में आपने कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अभी सब्स्टिट्यूशन नहीं किया आपने, सब्स्टिट्यूशन अभी कोई भी नहीं किया है। अब आपके कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है आपकी पॉजिटिव। और v कहां बनाया आपने, v आपकी कितनी है, v कितनी है, v की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो माइनस d माइनस u कितना है, ये तो फॉर्मूले का u है लेकिन अभी आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना लिखा जाएगा, माइनस u। तो अब आपका क्या बना देखना जरा, ये बना आपके लिए कितना, d by f equals माइनस वन प्लस डी बाई यू। ठीक है, इस माइनस वन को मैं उधर पहुंचा देता हूं, तो d by f प्लस वन इज इक्वल टू व्हाट, d by u। और d by u आपने क्या फाइंड कर रखा है, d by u आपने क्या फाइंड कर रखा है, एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर। तो सीधा सीधा आपका m बन गया वन प्लस d by f। याद रखिएगा कि हमने इस फॉर्मूले में d और u वगैरह की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो अगर अब इस फॉर्मूले को हमने अप्लाई करना है तो यहां नेगेटिव पॉजिटिव नहीं रखा जाएगा क्योंकि वो पहले हम सब्स्टिट्यूशन कर चुके हैं, समझिए बात। अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ आपकी 5 सेंटीमीटर है तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी, 1 प्लस 25 बाई 5 सिंपली 6 हो जाएगी। एंगुलर मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं है क्योंकि ये जस्ट एक रेशियो होता है।